गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का आर से एच एफ केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, लास्ट टाइम पे हम बात करते विद्युत ऋणता की, किसकी बात कर रहे थे? विद्युत ऋणता की बच्चों। और हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन युग्म का आकर्षण विद्युत ऋणता कहलाती है, और जो हमने तत्व पढ़े थे उनकी विद्युत ऋणता क्या थी हमने आपको बता दिया, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक आकार था, नाभिक के आवेश था, परिलक्षण प्रभाव था, एस प्रतिशत लक्षण था बच्चों, जिसमें एस प्रतिशत लक्षण ज़्यादा होगा उसकी एन क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद हम बात करते हैं ईएन के अनुप्रयोग, और ईएन के अनुप्रयोग में हमने सबसे पहले बात की थी कि आयनिक ऑक्साइड या अकार्बनिक ऑक्साइड बनाकर, तो कम विद्युत ऋणता वाले को पहले और ज़्यादा वाले को बाद में, ठीक है। अब उसके बाद हम जो बात कर रहे हैं वो करेंगे कि जो आयनिक ऑक्साइड जो होते हैं उनमें आयनिक प्रतिशत लक्षण क्या होता है। तो आयनिक प्रतिशत लक्षण का जो फॉर्मूला होगा तो होगा 16 डेल्टा ईएन प्लस 3.5 डेल्टा ईएन का स्क्वायर, ये दिया हुआ आयनिक प्रतिशत लक्षण का फॉर्मूला। कैसे? आप एक एग्जांपल से हम इसको करके देखते हैं। हमारे पास में एक एग्जांपल दिया है बच्चों, ये बोल दिया गया है कि HCl जो होता है इसका प्रतिशत आयनिक लक्षण निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिशत आयनिक लक्षण। तो हमें पता है H की जो EN होती है वो कितनी होती है? 2.1, और Cl कितनी होती है बच्चों? 3.0। अब देखो यहाँ रखो 16 और डेल्टा EN का मतलब क्या होगा, इन दोनों का अंतर, तो 3 में से 2.1 हटा दो, 0.9 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3.5 डेल्टा ई एन का स्क्वायर कर दो, 0.9 का क्या कर दो स्क्वायर, तो जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, एच सी एल का प्रतिशत आयनिक लक्षण आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ऑक्साइड जो होंगे, आयनिक ऑक्साइड जो होंगे या ऑक्सी अम्ल जो होंगी, उनकी अम्ल सामर्थ्य क्या होती है बच्चों। तो ऑक्सो अम्लों की जो अम्ल सामर्थ्य होती है वो ऑक्सीकरण संख्या के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? ऑक्सीकरण संख्या। अब ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, जैसे कि आपको ये दिया गया है बच्चों N2, NO2, N2O3, N2O5 और N2O7। आपसे बोला गया कि दिए गए ऑक्साइडों की अम्लीय प्रवृत्ति बताइए या अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ क्रम, अम्लीय सामर्थ्य। अब अम्लीय सामर्थ्य बच्चों OS के समानुपाती होती है। OS का मतलब ये होगा कि जो नाइट्रोजन जो दिया हुआ है इस पर चार्ज देख रहे हैं, यहाँ पर क्या देखोगे, चार्ज। बताओ ऑक्सीजन पर -2 का आवेश होता है, और नाइट्रोजन को मान लेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो एक नाइट्रोजन होता तो एक्स, दो है तो क्या बोलेंगे 2x, और ऑक्सीजन पर कितना होता है -2, बराबर में 0, तो x फ्रॉम कितना जाएगा +1, यहाँ पर कितना आएगा +3, यहाँ पर +5, यहाँ पर +7। तो देखो प्लस चार्ज बढ़ रहा है, प्लस चार्ज क्या बढ़ इधर है, बढ़ रहा है, मतलब कि OS बढ़ रही है, तो एसिडिक नेचर अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। तो आंसर क्या जाएगा बच्चों, ये वाला होता है, ठीक है, निकाल सकते हो। अगला जो पॉइंट हमारे पास में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि मूलिकन विधि से ई एन याद करना। अब मूलिकन विधि क्या होती है बच्चों, डेल्टा ई एन मूलिकन विधि होती है कि आयनन ऊर्जा प्लस में इलेक्ट्रॉन बंधुता को जोड़ दें और उसमें 2 का भाग दे दें, तो हमारे पास में जो आएगा वो आ जाएगा मूलिकन विधि से तत्वों की ई एन याद करना। अब बच्चों ये तो होगी ई एन, और यहाँ पर इसका मतलब होगा आयनन ऊर्जा, और इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, और बटे में हमने कितने कर दिए, 2 कर दिए बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमारे पास में जो लास्ट पॉइंट आ रहा है कि अगर हमारे पास में डेल्टा ई एन का मान अगर लेस देन 1.7, अगर डेल्टा ई एन का मान 1.7 से कम है बच्चों, तो वो जो यौगिक होगा वो होगा सहसंयोजक। कौन सा होगा? सहसंयोजक योगिक। लेकिन अगर डेल्टा ई एन का मान 1.7 से ज्यादा हो तो ये कैसा हो जाएगा, आयनिक। कैसा योगिक हो जाएगा, आयनिक योगिक, ये भी याद रखो। अब डेल्टा ई एन कैसे निकालोगे, या तो आप जो तत्व दिए हुए उनकी ई एन आप याद करो और दोनों घटा दो, या फिर आपको इनकी आयनन ऊर्जा देगा, इलेक्ट्रॉन बंध तो देगा, आपके पास में 2-4 फॉर्मूले उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। अब लास्ट तो हमारे बच्चों में बच गया, वो बच गया चुंबकीय प्रवृत्ति। इसे चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, लास्ट तो बच गया, वो बच गया चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक। चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब होगा कि तत्व जो होगा या तो होगा बच्चों प्रतिचुंबकीय, या फिर कैसा होगा, अनुचुंबकीय। अपनी भाषा में बोलें तो या तो होगा रंगीन, या फिर कैसा होगा, रंगहीन। या तो रंग को देगा या फिर वो रंग को नहीं देगा, अगर रंग को देता है तो बोलेंगे रंगीन, और अगर रंग को नहीं देता तो क्या बोलेंगे, रंगहीन बोलेंगे। तो यहाँ पर चुंबकीय प्रवृत्ति होगी तत्वों की, वो 2 प्रकार की होगी। एक तो होगा हमारे पास चुंबकीय, कैसा होगा,
चुंबकीय, और एक कैसा होगा, एक तो हमारे पास में होगा अनुचुंबकीय, और एक हमारे पास में कैसा होगा प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब होता है बच्चों, अनुचुंबकीय का मतलब होता है कि जो तत्व है उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे। अगर तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको लास्ट में चले जाओ, अगर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसका मतलब हो जाएगा अनुचुंबकीय। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि हमारे पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा, उपस्थित, और यहाँ पर कैसा होगा बच्चों, अनुपस्थित। ठीक है, अगर ये इसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये यौगिक कैसा होगा, रंगीन, कलरफुल, और ये कैसा हो जाएगा, रंगहीन, कलरलेस। ये कलरफुल, ये कलरलेस हो जाएगा। अब आपके पास में अगर किसी का चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, क्या निकालना आपको, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू निकालना है, तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एन कोष्टक एन प्लस टू, क्या होता है एन कोष्टक एन प्लस टू, और इसकी यूनिट हो जाएगी बोर मैग्नेटॉन, क्या हो जाएगी बोर मैग्नेटॉन हो जाएगी बच्चों। अब एन का मतलब जो यहाँ पर होगा, एन बराबर होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, या तो आप फॉर्मूले से निकालें बच्चों, या आप सीधा निकाल कि जिसका पास में अनु, जिसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक होगा तो उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा 1.74 मैग्नेटॉन, और दो होगा तो 2.84 मैग्नेटॉन, बाकी बच्चों से कुछ भी आ जाए 3.7 4.7 5.7 ऐसे चलना आपने। ठीक है, अब हम सवाल करते हैं, आपसे बोला गया कि जो है, एक एग्जाम्पल कर रहे हैं बच्चों, आपसे बोला गया कि सोडियम जो दिया गया, सोडियम तत्व बताओ रंगीन हो गया फिर रंगहीन हो। अब सोडियम 11 नंबर पे आता है, मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों, 11 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हमने सिखाया था, कैसे भरोगे, 1s2 2s2 2p6 3s1, देखो 2 तो 4 6 10 11 इलेक्ट्रॉन। अब इधर देखिए बच्चों, s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, एक जोड़ा है कि नहीं है, क्या इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के नहीं है, एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एक वो रहेगा उल्टा एक रहेगा उल्टा, मतलब जोड़ा बन गया सर, यहाँ पर तो सिंगल है। अब हम वापस इस एस के पास जाते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इस पी में जाते हैं बच्चों, पी में कितने डिब्बे होते हैं, 3, तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब ये एस आ गया, अब एस का एक डिब्बा बना दो, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल है अकेला है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। अगर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है तो बताओ बच्चों क्या ये रंग को देगा, बिल्कुल देगा, और कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा, कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय है, और ये होगा इसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और कैसा होगा, रंगीन होगा। अब बात करते हैं इसके चुंबकीय आघूर्ण, किसके बात करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण की। अगर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा 1.7 बोर मैग्नेटॉन, बस 2 का याद रख लो, 2 अगर आए तो बोल देना 2.8, बाकी 3 है तो 3.7, 4 है तो 4.7, 5 है तो 5.7, 6 है तो 6.7। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, हमारे से बोला गया कि बताओ क्लोरीन जो दिया गया, क्लोरीन रंग को देख रहा है नहीं देखा, या फिर हम बोले क्लोरीन आयन Cl-। अब बच्चों क्लोरीन का तो परमाणु क्रमांक होता है 17 होता है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 17, लेकिन एक माइनस का और आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन भरने, बताओ किस पर हो गए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखिएगा 2 तो 4, 4 से 10, 10 से 2 12, 12 से 18, बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास में, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 18 भर दिए, क्या सारे जोड़े बना रहे क्या, हाँ देखो 2 2, ये 6 है, 3 का 6 हो जाएगा 2 2। अब देखो यहाँ पर इसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय, कैसा होगा, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित, और कैसा होगा, रंगहीन, मतलब ये कलर को नहीं देगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में आयन ऊर्जा थी, विद्युत भिन्नता थी, इनकी हमने बात की। ठीक है, अब बच्चों ये पर रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि हमने क्या पढ़ा।
हम आवर्त सारणी की बात कर रहे थे, ये आवर्त सारणी पूरी खत्म हो गई है। हम आवर्त सारणी की बात कर रहे थे बच्चों, और आवर्त सारणी में हमने कुल 112 तत्वों की बात की। कितने की बात की? कुल तत्व कितने थे? 112। 112 में बच्चों हमारे पास जो ठोस है, द्रव है और गैस है। बताओ ठोस कितने थे हमारे पास में? 95। द्रव कितने थे? 6। और गैस कितनी थी? 11। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें धातु कितनी। धातु, अधातु व उपधातु। बच्चों धातु जो थी 88, ये 17, ये 7। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बोला था कि यहाँ पर हम चार ब्लॉक की बात करते हैं, एस पी डी व एफ ब्लॉक। चार ब्लॉक में पढ़ते हैं। एस व पी ब्लॉक के तत्व को बोलते हैं सामान्य प्रतिनिधि। सामान्य प्रतिनिधि तत्व। डी ब्लॉक के तत्व को बोलते हैं संक्रमण तत्व। और बच्चों एफ ब्लॉक को बोलते हैं अंतः संक्रमण। अंतः संक्रमण, ठीक है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की थी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ट्रिक क्या थी? सह सप सप सडप सडप सपडप और सपडप। उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। फिर हमने बात की थी कि आखिरी गैसों को 18वें समूह में रखा गया है। ठीक है, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो भी हमारे पास था, हमने सारी चीज़ों की बात की। फिर हमने बात की त्रिज्या। किसकी बात की बच्चों? त्रिज्या। त्रिज्या जो थी, हमने बोला था कि किसी भी परमाणु के नाभिक और उसके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या यहाँ पर हम बच्चों तीन प्रकार की पढ़ रहे थे। कौन कौन सी थी? सबसे पहले सहसंयोजक। कौन सी? सहसंयोजक। दूसरी धात्विक। तीसरी वैन डर वाल। कौन सी थी? वैन डर वाल। ठीक है, और हमने बोला त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक आकार था, जेड इफेक्टिव था हमारे पास में बच्चों। जितना ज्यादा बड़ा आकार होगा त्रिज्या, उतनी ज्यादा क्या होगी आपके पास में? बड़ी होगी। और मोटर वो त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद में हमने बात किया था आयनन विभव। आयनन ऊर्जा की किसकी बात कर रहे थे हम? आयनन विभव की बात कर रहे थे बच्चों। आईई, आयनन ऊर्जा या आयनन पोटेंशियल। ये थोड़ा सा समरी चल रही। हमने बोला था किसी विलगित गैस से परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। यह एक ऊष्मा शोषी परिक्रम होता है। और इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या थे बच्चों? आकार था, जेड इफेक्ट था, सिग्मा और कक्षों का स्थायित्व। हमने बोला था कि आधे भरे हुए पूरे भरे हुए कक्षों का स्थायित्व बाकी बचे हुए कक्षों की तुलना में ज्यादा पाया जाता है। अतः इनकी ऊर्जा का मान अपने से आगे वाले एक तत्व की तुलना में क्या पाया जाता है? ज्यादा पाया जाता है। और एक आवर्त सारणी में, एक आवर्त में सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा का मान आकृय गैसों का पाया जाता। फिर हमने यहाँ पर बात की थी अगला पॉइंट EA, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, हमने बोला था कि किसी विलगित गैस से परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। यह इसका मान यह ऊष्मा क्षेत्र परिक्रम होता है। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा यह विद्युतऋणता। विद्युतऋणता हमारे पास में क्या थी? इलेक्ट्रॉन युग्मों का आकर्षण विद्युतऋणता कहलाती है। और विद्युतऋणता को प्रभावित करने वाले कारक उसके अनुप्रयोग क्या थे हम बात करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम जब भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो हम चैप्टर नंबर, यहाँ पर नया जो चैप्टर हमारे पास में 3 है, केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक आबंधन, उसकी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू क्लास।